नमस्ते छात्राओं, आज हम बात करेंगे वर्गीकृत प्राप्तांकों में मध्यमान की गणना करने के विषय में, कैलकुलेटिंग मीन इन अनग्रुप डेटा। हम जानते हैं कि प्रदत्त जो होता है, जहां खुली संख्याओं में इस प्रकार से दिखाई देता है, इस प्रकार से खुली संख्याएं दिखाई देती है, तब हम उसे अवर्गीकृत प्राप्तांक कहते हैं। किंतु इसी प्रकार का प्रदत्त जब आवृत्ति वितरण के बाद वर्गांतर और आवृत्ति में विभाजित हो जाता है, तब हम इसे वर्गीकृत प्राप्तांक कहते हैं। तो जब प्रदत्त वर्गांतर और आवृत्ति में विभाजित होगा, अर्थात वर्गीकृत प्राप्तांक होंगे, तब मध्यमान की गणना कैसे करनी है, इसकी आज चर्चा करेंगे। वर्गीकृत प्राप्तांकों में मध्यमान की गणना करने के लिए निम्न सूत्र उपयोग में लाया जाता है। सूत्र है मध्यमान अर्थात अज्यूम मीन प्लस समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन इंटू आई। अज्यूम मीन, जिसे हम कहते हैं गृहीत मध्यमान, समेशन एफ एक्स डैश, यह समेशन अर्थात जोड़ है, टोटल है एफ एक्स डैश के वैल्यूज की, डिवाइडेड बाय एन इंटू आई। अब इस सूत्र को देखें तो सूत्र में रखी गई निम्न मूल्यों की हमें आवश्यकता होगी अगर हमें मध्यमान की गणना करनी है, जैसे कि अज्यूम मीन, समेशन एफ एक्स डैश, एन और आई। यह चार मूल्यों की संख्याएं अगर हम निकाल सके तो गणना करना आसान है। महत्वपूर्ण संज्ञाओं को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है अज्यूम मीन, अर्थात गृहित मध्यमान, जिसका मूल्य निकालने के लिए जिस वर्गांतर के सामने हम शून्य यह मूल्य लेंगे, उस वर्गांतर का मध्य निकालना है। समेशन एफ एक्स डैश, अर्थात एफ एक्स डैश के सभी मूल्यों का यह जोड़ होगा। एफ अर्थात आवृत्ति और एक्स डैश अर्थात प्राप्तांक या वर्गांतर के मध्यमान के से अंतर का अनुमान, इसे हम कहेंगे एक्स डैश। और एफ एक्स डैश से तात्पर्य है एफ और एक्स डैश के सभी मूल्यों का गुणाकार। एन अर्थात प्राप्तांकों की संख्या और आई अर्थात वर्गांतर की लंबाई। अब वर्गीकृत प्राप्तांकों में मध्यमान की गणना करने की विधि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वर्गांतर की गणना करने के लिए अगले कॉलम को हमें x डैश यह नाम देना है। इसी कॉलम में दिए गए वर्गांतर में से किसी भी एक वर्गांतर के सामने शून्य यह संख्या लेनी है। वर्गांतर और वारंवारिता, ये तो गणित हमारे पास होगा। उसके आगे हमने एक और कॉलम ऐड किया है, जिसे हमने नाम दिया है x डैश। x डैश यह नाम देने के बाद उसी कॉलम में किसी भी एक वर्गांतर के सामने हमें शून्य यह मूल्य लेना है। x डैश यानी क्या? x यह जो संज्ञा है, ये सांख्यिकी में विचलन के लिए इस्तेमाल होती है। यहां हम मध्यमान से हर वर्गांतर का अंतर जो है उसका अनुमान कर रहे हैं। अंतर हमें निश्चित रूप से पता नहीं है, इसलिए यहां हम मध्यमान से अंतर अर्थात x को x डैश कह रहे हैं, क्योंकि ये हमने अनुमानित किया हुआ विचलन है। तो यहां हमें अनुमान करना है कि किसी भी एक वर्गांतर जहां मध्यमान आएगा, ऐसा हम अनुमान कर रहे हैं, वहां पर विचलन का मूल्य जो है वो शून्य आएगा। यह वर्गांतर हमें विशेष रूप से मार्क कर लेना है, उसे संकेत रूप में बना लेना है, क्योंकि इसी वर्गांतर से संबंधित संख्याएं हमें आगे उसकी जरूरत पड़ेगी। अब जहां वर्गांतर के सामने हमने शून्य लिया है, उसके ऊपर जितने भी वर्गांतर है उनके सामने प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, इस प्रकार से संख्या लिखनी है, और नीचे की तरफ वर्गांतर में माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस प्रकार से संख्याएं लिखनी है। जैसे 80 और 84 में शून्य है, उसके ऊपर का वर्गांतर 85 टू 89 के सामने हमने विचलन की संख्या ली एक,
उसके ऊपर 92-94 के वर्गांतर में विचलन की संख्या आएगी 2, 95-99 के कॉलम में विचलन की संख्या आएगी 3। उसी प्रकार से शून्य के निचला वर्गांतर जो है 75-79, यहाँ विचलन की संख्या आएगी -1, और अंतिम जो वर्गांतर है 70-74 (72-74), यहाँ विचलन की संख्या आएगी -2। आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हमें अगले कॉलम को एक और कॉलम यहां पर बढ़ाना है और इसे हमें नाम देना है fx-। इस कॉलम में हमें x- के हर मूल्य को बारंवारिता अर्थात f से गुणा करना है और जो भी उत्तर आएगा उसे प्लस या माइनस अर्थात धन या ऋण चिन्ह देना है। अब यहां देखिए एक और अगला कॉलम हमने बढ़ा लिया है, इसे हमने नाम देना है fx-। इस कॉलम को हमने नाम दिया fx-। अब यहाँ fx-के कॉलम में हमें कौन सी संख्याएं लिखनी है, यहाँ हमें f और x- का गुणा करना है, गुणाकार करना है और वो संख्या यहाँ लिखनी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं x- के कॉलम में जितनी संख्याएं हैं उसमें से कुछ संख्याएं प्लस हैं और कुछ संख्याएं माइनस हैं। तो यहाँ fx- का उत्तर लिखते समय भी ऊपर की संख्याएं प्लस आएंगी और नीचे की संख्याएं माइनस आएंगी। तीन मल्टीप्लाइड बाय वन, 3 × 1, यहां उत्तर आएगा 3। 8 × 16, 9 × 1, 9। किसी भी संख्या को अगर हम शून्य से गुणते हैं तो उत्तर शून्य ही आता है, तो यहां भी उत्तर शून्य आएगा। 3 × 1, क्योंकि ये -1 है तो उत्तर आएगा -3, और 4 × 2, -8। अब यहाँ कुछ संख्याएं प्लस है, कुछ संख्याएं माइनस है, इनका एक साथ जोड़ करना है समेशन fx- निकालने के लिए, अर्थात fx- की सभी संख्याओं का यहाँ जोड़ करना है। जो ऊपर की संख्याएं हैं, जो धन संख्याएं हैं, उनका हम अलग से जोड़ करेंगे। अब यहां पर उत्तर आता है 28, 3 + 16 + 9, 28। और निचली जो दो संख्याएं हैं माइनस, उनका अलग से जोड़ करेंगे, यहां पर उत्तर आता है -11। अब क्योंकि एक संख्या धन है, एक संख्या ऋण है, यह संख्या +28 है, ये -11 है, इनका जोड़ करते समय गणित के नियम के अनुसार हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह देंगे। इस प्रकार से 28 - 11, यह करने के बाद उत्तर आता है 17। ये हमारे fx- की समेशन fx- की वैल्यू है। समेशन fx- के साथ हमें जरूरत है अज्यूम मीन की। अज्यूम मीन निकालने के लिए जिस वर्गांतर के सामने हमने शून्य लिया है उस वर्गांतर का मध्य निकालना है। जैसे कि यह जो वर्गांतर है वो 80, 81, 82, 83, 84, इस प्रकार से संख्याएं इस वर्गांतर में है, इसका मध्य निकालने के लिए हम एक एक संख्या को काटते जाएंगे। यह पहली संख्या, आखिरी संख्या, दूसरे नंबर की और चौथे नंबर की संख्या को अगर हम काटते हैं तो जो संख्या मध्य में है 82, यह 82 जो संख्या है वही हमारी अज्यूम मीन की संख्या होगी या मूल्य होगा। तो समेशन fx- की वैल्यू हमें मिल गई, अज्यूम मीन की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें दो वैल्यूज और चाहिए, n n अर्थात प्राप्तांकों की संख्या जो कि गणित में दिया गया है, n इज 30। और आखिरी मूल्य हमें चाहिए i। आय होता है वर्गांतर की लंबाई। अब यहां पर जो आय की वर्गांतर की लंबाई है वो है 5। इस प्रकार से सारे मूल्य हमारे पास आ चुके हैं। सभी मूल्यों को सूत्रों में रखकर हम मध्यमान की गणना करेंगे। फिर से एक बार सूत्र हम लिखेंगे, मध्यमान अर्थात अज्यूम मीन प्लस समेशन fx- अपॉन n इंटू आय। सभी संख्याओं को सूत्र में डालने के बाद 84 + 17/30 × 5, इसको सॉल्व करते जाएंगे
मध्यमान अर्थात 84 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 30 का उत्तर आएगा 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब अगले स्टेप में 84 प्लस, यहां पर हमने 0.56 को पहले 5 से गुणा किया है जिसका उत्तर है 2.8। 2.8 को हमें 84 में जोड़ना है और हमें अंतिम जो है मध्यमान का मूल्य मिलेगा। अब 84 प्लस 2.8 से मध्यमान की संख्या होती है 86.8। तो यह हमारे मध्यमान का उत्तर है। इस प्रकार से वर्गीकृत प्राप्तांकों में मध्यमान की गणना की जाती है। धन्यवाद।